हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री सिंपल एंड इजी एक्सरसाइजेज फॉर फ्रोजन शोल्डर। जी हाँ, फ्रोजन शोल्डर में हम घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है उनकी बाजू ऊपर नहीं जा पाती, साइड पे नहीं जा पाते और पीछे तो बिल्कुल ही नहीं जा पाते। अब इन तीन एक्सरसाइज में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सिंपल सी मूवमेंट्स हमने घर पे कैसे करनी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोविड चल रहा है जिसकी वजह से हम क्लिनिक्स में या फिजियोथेरेपी सेंटर में जा नहीं पा रहे, तो घर में हम इसको कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस होती हैं। फ्रोजन शोल्डर की काफ़ी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उसका मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि हमारा जो एक्यूट फेज़ है, सोजिश वाला या इन्फ्लामेटरी जो फेज़ है, वो जा चुका हो। उससे ये पता लगता है कि जब पेशेंट को नाइट पेन नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ मूवमेंट स्टिफ हो रही है, पेनफुल तो थोड़ी सी होती है पर जो रात वाला पेन है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद वो ये तीनों एक्सरसाइज कर सकता है। अब सिंपल सी थ्री टॉवल एक्सरसाइज, टॉवल के साथ हमने ये एक्सरसाइज कर लेनी है और वो बड़ा इजीली ये पेशेंट को ठीक कर देगा, उसकी रेंज को इम्प्रूव कर देगा। तो हमने घर पे ये एक्सरसाइज करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी फ्लेक्शन, इस रेंज को हम कहते हैं फ्लेक्शन रेंज। अब पेशेंट की ये रेंज यहाँ तक जाती है, तो हमने क्या करना है, ये टॉवल जो है उसको लेके इस तरह से वॉल के साथ लगा लेना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एल्बो है वो सीधा रहे, क्योंकि अगर एल्बो फोल्ड रहेगा तो पेशेंट क्या करेगा, इस तरह से एल्बो की मूवमेंट होती रहती है, शोल्डर की प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। तो हमने क्या करना है, इस तरह से एल्बो को स्ट्रेट रखा और वही वाला जो टांग है वो उसको आगे रखना है, जो हाथ आगे वही टांग आगे, क्योंकि इसका मैं यूज़ बताऊँगा क्या करना है। तो इस तरह से पेशेंट ने रिलैक्स होके यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से कर ले बिल्कुल 90 डिग्री से। उसके बाद उसने क्या करना है, धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाते जाना है इस तरह से, और जब उसको लगेगा कि और ऊपर जा सकता है, रेंज इसकी और इंक्रीज हो सकती है, तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाए इस तरह से, अपने इस राइट नी को फोल्ड करते करते इसके बिल्कुल नीचे आ जाए। तो अब देखिए ये पूरी शोल्डर की जो रेंज है ये हमारी जा रही है। अब इसमें क्या है, इसका फायदा ये है कि जो पेशेंट लेके जा रहा है वो एक्टिवली नहीं लेके जा रहा, दीवार का सहारा है, तो पैसिव मूवमेंट हो रही है, यानी कि बॉडी वेट को यूज करते हुए हम अपनी शोल्डर की रेंज इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां तक लाके उसने इसी तरह से नी को स्ट्रेट करते हुए पीछे आ जाना है और एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये टॉवल एक्सरसाइज कर लेनी, इसकी रेपिटेशंस आप 10 या 20 जितनी पेशेंट इजीली बियर कर सकता है वो उसको करे। अब देखिए इसमें पेशेंट को पेन भी नहीं होगा, तो इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले हीट ले लेंगे तो मसल सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट लाएगा। तो हीटिंग पैड कौन सा यूज़ करना है वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक पेशेंट क्या करता है, वॉल स्लाइड्स इस तरह से करता है। अब इसमें और जो मैंने बताई है उसमें ये फ़र्क है कि इस तरह से होता है, पेशेंट एक तो ये एक्टिव मूवमेंट शुरू कर रहा है और उसका जो एल्बो है वो फोल्ड रहता है फिर सीधा होता है, तो ये मोस्टली एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शोल्डर प्रॉपर मूवमेंट। तो एक तो ऐसे करने में उसका जोर भी ज़्यादा लगता है और शोल्डर पूरा जा भी नहीं पाता, क्योंकि ये एक्टिवली शोल्डर को और ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको पेशेंट को काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ता है, सहारा कम है दीवार का। अब इसमें क्या है, सहारा पूरे दीवार का और पूरा बॉडी वेट लेके जा रहा है पेशेंट, तो ये इजी एक्सरसाइज है, तो हमने इस तरह से इसको करना है। तो अब चलते हैं अपनी एबडक्शन यानी कि साइड मूवमेंट की तरफ। तो इसमें हमने इस तरह से साइड पे हो जाना है और पेशेंट ने इस तरह से खड़े हो जाना है बिल्कुल साइड पे। अब मैं लेफ्ट हैंड के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, पेशेंट ने जो है अपनी लेग को उसी लेग को थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल लेना है और उसके बाद ये फिर से 90 डिग्री, अगर 90 से नहीं शुरू कर सकते तो थोड़ा और नीचे से कर लें, पर एल्बो स्ट्रेट रहे। अब इसके बाद क्या करेगा पेशेंट, इस तरह इसको लेके जाएगा टॉल को ऊपर। अब धीरे धीरे ऊपर लाता लाता अपने आप को इधर को शिफ्ट कर देगा वही नी फोल्ड करके, अब फिर वापस। अब देखिए इसमें मैंने कोई अपनी शोल्डर मूवमेंट ज़्यादा नहीं की, हमने क्या किया है अपने बॉडी वेट लेके गए हैं, बस हाथ उसके ऊपर, साथ में हम दीवार के ऊपर हाथ को उसको लेके जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं और साथ साथ हम बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये वाली जो बॉडी मूवमेंट है ये बस जो बैक पेन वाले पेशेंट होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करें, पर ये नी फोल्ड करेंगे इस तरह से ऊपर, ये फिर साइड, फिर ऊपर। अब देखिए बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और जहाँ तक रेंज पेशेंट अपना बियर कर सकता है बिना पेन के वो वहीं तक लेके जाए। तो ये हमने ली सेकेंड मूवमेंट। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे इंटरनल रोटेशन के लिए। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो है हमारी इंटरनल रोटेशन। तो इस तरह से हमने पोल के साथ या डोर हैंडल के साथ उसको अच्छे से बैंड को हमने डाल लेना है इस तरह से, ये बैंड होगा
या आप थेरा बैंड, इलास्टिक बैंड कुछ भी यूज करते हैं, और बैंड को हमने इस तरह से पकड़ लेना है। अब इंटरनल रोटेशन में हमने देखी है अपनी बॉडी वेट, ये सारी एक्सरसाइज जो है बॉडी वेट को यूज करके कर रहे हैं, बॉडी को घुमा के शोल्डर की मूवमेंट हो रही है, इन हम शोल्डर की प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहे इसमें। अब देखिए इस तरह से हमने बैंड को पकड़ लेना है बिल्कुल अच्छे से, अब हमने खुद ही घूम जाना है, इस तरह से पकड़ा हुआ है, अब बॉडी क्या कर रही है इस तरह से घूम जाएगी। अब देखिए ये इंटरनल रोटेशन हो गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आप आपका हल्का सा अपने आप को, और अगर आपकी रेंज अलाउ कर रही है तो आप हल्का सा और इसको बेंड करके इसको खींच सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अब इंटरनल रोटेशन हो गया। अब देखिए कुछ नहीं किया, इस तरह से हमने हाथ को रखा हुआ है, अब हम खुद ही घूम रहे हैं इस तरह से घूमते हुए, अब ये इंटरनल रोटेशन होगी शोल्डर की। तो हम इस तरह से इंटरनल रोटेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर बैंड किसी को चाहिए तो वो भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अलग अलग तरह के थेरा बैंड होते हैं तो इससे हम इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं। आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा टॉवल है तो उसको यूज़ करिए, इस तरह से होल्ड कर लिया तो हम इस तरह से रोटेट हो गए, तो ये होगी इंटरनल रोटेशन। तो ये बड़ा इजी ही एक्सरसाइज है, क्योंकि बॉडी वेट आपको खुद पता होगा कि मुझे कितना घूमना है, अगर जहाँ पे पेन आ जाए आप वहाँ पे रुक जाइए। तो इस तरह से हम इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी इंटरनल रोटेशन के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये थी 3 बेस्ट और सिंपल एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर। अब पेशेंट्स इसको घर पे करें और उनको डेफिनेटली उनकी रेंज भी इम्प्रूव होगी और पेन भी कम होगी। बाकी फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज देखने के लिए मेरे बाकी वीडियोस जो है वो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पेंडुलम एक्सरसाइज करनी होती है, वो बेसिक एक्सरसाइज है। ये मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था रेंज को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये आप घर पे करिए, पर ये ध्यान रखिए इसके पेन बढ़ना नहीं चाहिए। अगर पेन हल्का सा बढ़ता है तो आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर वालों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी घर बैठे बैठे रेंज जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और साथ हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है उसको लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।